नमस्ते सभी को, व्हाइट आउट सर्वाइवल के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं मुख्य भवन निर्माण और इसके उपयोग के बारे में चर्चा करूंगा। ध्यान से देखें, ये उन इमारतों में से एक है जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वैदिक की कुल 6 शक्तियाँ होती हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। नाइट शिफ्ट, समग्र देखभाल, डबल टाइम, उत्पादकता दिवस, त्वरित काम और उत्सव। प्रत्येक अलग मात्रा में संतोष का उपभोग करता है। वीडियो में बाद में मैं ये चर्चा करूंगा कि संतोष क्या है। चलिए हमारे ट्यूटोरियल की शुरुआत डबल टाइम के साथ करते हैं। अगर आप डबल टाइम का उपयोग करते हैं, आप नए हैं, बिल्डिंग निर्माण या उन्नति 5 मिनट के लिए 20% तेजी से होगी। उदाहरण के लिए मेरे फर्नेस का संचालन समय यहाँ 15 दिनों से अधिक समय से दिखाया जा रहा है। 26 से 27 स्तर के अपग्रेड का असली समय 15 दिन नहीं है। मेरे पास निर्माण की गति में 10% का बोनस है सनफायर कैसल से, जो राष्ट्रपति द्वारा दिया गया था। अब मैं डबल टाइम का उपयोग करने जा रहा हूं। यह 8 लाख संतोष को खर्च करता है। इसमें एक दिन का ठंडा होने का समय है, इसलिए सावधानी से इस्तेमाल करें। देखो, मेरे अपग्रेड का समय लगभग 12 दिनों तक कम हो गया है। इसका मतलब है कि यह पहले से 3 दिन कम है। यही डबल टाइम आंखों का उपयोग है। याद रखें, यह 5 मिनट तक चलेगा। इससे पहले आपको निर्माण का उपयोग करना होगा। चलिए हमारे अगले आदेश की ओर बढ़ते हैं, जो कि व्यापक देखभाल है। यह आपके उत्तरजीवियों को बीमार पड़ने पर इलाज करने के लिए उपयोग किया जाता है। आप यहां से बीमार उत्तरजीवियों की संख्या जांच सकते हैं। अब आपके उत्तरजीवी के बीमार पड़ने के कई कारण होते हैं। यह ठंडा या कुपोषण हो सकता है, कम नींद या बिना आराम के कठिन परिश्रम, अगर आपका कोयला खत्म हो जाए और आपका फर्नीचर बंद हो जाए। अगर आप लंबे समय से अपने उत्तरजीवी को निम्न गुणवत्ता का भोजन देते हैं तो कोयला होगा और आपका उत्तरजीवी बीमार पड़ जाएगा। वे बीमार पड़ जाएंगे। अगर वे पूरी रात काम करते हैं और आराम नहीं करते तो वे बीमार पड़ सकते हैं। उदाहरण देने के लिए, मैं कुछ समय के लिए मेरी भट्टी को बंद कर देता हूँ, इसलिए मेरा क्लिनिक अभी पूरी तरह से भरा हुआ है। आइए उन्हें व्यापक देखभाल से ठीक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये केवल 5000 संतोष को खर्च करता है और इसका कूल डाउन सिर्फ 4 घंटे है, जो काफी कम है। मेरे सभी 6 सर्वाइव हॉर्स केयर और अब कोई और बीमार उत्तरजीवी नहीं है। चलिए हमारे अगले आदेश पर जारी रखते हैं, जो कि त्वरित काम है। ये एक क्लिक में 5 दिनों के कार्य संसाधन देता है और यह 1,50,000 महाद्वीप की खपत करता है और इसका एक दिन का शीतलन समय है। आपको अपने संबंध को अपग्रेड करने की सलाह दी जाती है। शिकार झोपड़ी और अन्य संसाधन इमारतों को अधिकतम स्तर तक बढ़ाएं ताकि इससे सबसे ज्यादा लाभ मिल सके। चलो हमारे अगले आदेश पर चलते हैं, नाइट शिफ्ट। जब आप इसका उपयोग करते हैं तो आपके उत्तरजीवी 48 घंटे के लिए रात को काम करते हैं, उत्तरजीवी का समय। लेकिन आपके उत्तरजीवी का मूड वही होता है जहां इसे 10वां कहा जाता है। मैं बाद में चर्चा करूंगा कि स्मूथ क्या है। हमारा अगला अधिनिर्णय उत्पादकता दिवस है, जिसका 12 घंटे का शीतलन समय है और यह 50,000 संतुष्टि की खपत करता है। इसका उपयोग करें, आपके बचे रहने की संभावना 100% अधिक हो जाएगी, लेकिन इससे जीवित रहने की मोड़ में 10% की कमी आई। ये देखो, स्टेटन ऑफ संसाधन उत्पादन। ये प्रोडक्टिविटी डे का उपयोग करने से पहले है और अब मैं यह दिखाने जा रहा हूं कि जब हम उपयोग करते हैं तो क्या होता है। उत्पादकता दिवस, यह डेडे है जिसने प्रोडक्टिविटी डे का उपयोग किया है। मैं आशा करता हूं कि आप इसके उपयोग को देख सकें। अब मैं मुंह के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। दाईं ओर एक हरे रंग का मुस्कुराता चेहरा है। यह आपके उत्तरजीवी के स्वास्थ्य के बारे में एक सूचक है। मनोदशा के बगल में एक पंख संरचना है। यह आराम है। आपके उत्तरजीवी की खुशी पर मनोदशा और आराम दोनों का प्रभाव पड़ता है। आप यहां से अपनी खुशी देख सकते हैं। जब आप नाइट शिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके सर्वर पूरी रात काम करते हैं। वे पहले से ही दिन के समय काम कर रहे हैं, इसलिए नाइट शिफ्ट का मतलब है कि वे रात भर काम करेंगे बिना किसी आराम के। 20 घंटे काम करें, यह आराम में कमी लाएगा। और जब आप प्रोडक्टिविटी दिवस का उपयोग करते हैं तो आपका उत्तरजीवी अधिक मेहनत करता है और यह आपके उत्तरजीवी के मूड को कम कर देगा। मूड और आराम दोनों मिलकर उत्तरजीवी की खुशी को कम करते हैं, इसलिए आपको नाइट शिफ्ट और प्रोडक्टिविटी का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी जाती है। वे एक साथ एक ही समय पर, अगर आप इन्हें एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपके उत्तरजीवी की खुशी समय के साथ घटने लगती है। आइए दिखाते हैं क्या होता है जब नाइट शिफ्ट और प्रोडक्टिविटी डीड्स एक साथ काम करते हैं। आप देख सकते हैं कि उत्तरजीवी के सिर पर लाल रंग का आटा है। इसका मतलब है कि वे खुश नहीं है। उत्तरजीवी की गतिविधि को देखकर आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि वे नींद में है
और जागे रहने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब अगर आपके उत्तरजीवी की खुशी बहुत कम है तो वे हड़ताल पर जा सकते हैं और आपकी संसाधन बढ़ाने की गति 30% तक कम हो जाएगी। आपका उत्तरजीवी स्वचालित रूप से आराम प्राप्त करता है या जब वे उचित आराम लेते हैं, पुस्तकालय का उपयोग करके पुनः आरक्षण करते हैं या अन्य घरेलू गतिविधि करते हैं, तो चलते हैं। आप यहां देख सकते हैं कि वे अपनी खुशी बो रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं। हर तरह की गतिविधि अलग अलग मात्रा में मनोदशा या आराम देती है। अपने आश्रय की प्रत्येक वस्तु को अधिकतम स्तर तक उन्नत करें ताकि मनोदशा या आराम तेजी से प्राप्त हो। लेकिन अगर वे आपके विरुद्ध हो जाएं, तो क्या होगा? चिंता मत करो, हमारे पास इसका समाधान होगा। उस स्थिति में आपको अपना आखिरी और अंतिम आदेश उपयोग करना होगा, उत्सव। यह तुरंत 50 मनोदशा और 30 आराम देता है। यह 50,000 सामग्री का उपभोग करता है और इसे एक दिन ठंडा होने में समय लगता है और यह धीरे धीरे उत्तरजीवी की खुशी को बढ़ाता है। तो यह इस प्रकार काम करता है। नया दिन शुरू होते ही उत्सवों को सक्रिय करने के बाद आपकी बस्ती पोस्टर, गुब्बारे और उपहारों से सजाई जाएगी। आपके उत्तरजीवी की खुशी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। आपका रसोई और भोजन कक्ष इस तरह सजाया जाएगा। अब हम हमारे वीडियो के अंतिम भाग में हैं। आपने पहले ही देखा है कि हमें एडिक्ट शक्ति का उपयोग करने के लिए संतोष की आवश्यकता है। संतोष क्या है? संतुष्टि वह संतोष या आनंद है जो उत्तरजीवी को अपने काम करके मिलता है। जब उत्तरजीवी अपना काम करता है तो आप एक खुश चेहरे वाला तारा देख सकते हैं। प्रत्येक काम में अलग अलग मात्रा में सामग्री होती है। आप उत्तरजीवी को उसका काम करने देकर उन्हें इकट्ठा कर सकते हैं या आप 50,000 संतुष्टि उत्तेजक 45 रत्न खरीद सकते हैं। स्लोथ के प्रभाव से दंडित करते हैं तो आपकी उत्पादनता कम हो जाएगी। इस बारे में सावधान रहें। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं और देखने के लिए सब्सक्राइब करें।